वहीं गरियाबंद के देवभोग ब्लॉक के झलभाल में जल संकट से जूझ रही महिलाएं सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करती हुई नजर आई। महिलाओं ने प्रशासन को अल्टीमेटम देते हुए कहा कि अगर उनकी समस्या का समाधान नहीं किया तो वो गरियाबंद पहुंचे, जहां कलेक्टर से मुलाकात कर अपनी समस्याओं को बताया। दरअसल हाईवे के चौड़ीकरण के चलते सड़क किनारे लगे ट्यूबवेल को उखाड़ दिया गया है, जिसके चलते महिलाएं बीते कुछ दिनों से पेयजल के लिए काफी परेशान हैं। इसके साथ ही 1500 की आबादी वाले गांव में ज्यादातर बोर सूखा पड़ा है। ऐसे में इकलौता संसाधन को बंद करते ही महिलाएं सड़क पर उतर गई हैं। ग्रामीण पिछले 4 दिनों से अपनी समस्याओं को प्रशासन तक पहुंचा रहे हैं, बावजूद इसके अवसर सुध नहीं ले रहे हैं। गरियाबंद से फारूक मीमन की रिपोर्ट। हम लोग को यही बोरिंग का समस्या है, सरकार के लिए ये बहुत दिक्कत हो जा रहा है हम लोग को पानी के लिए। हमारे गांव में जल्दी सूख जाता है पानी, अभी गर्मी बहुत दिक्कत हो जाएगा। यही वाला है जो चलता है पूरा गर्मी भर में, और पूरा गांव वाले को ये पानी पूरा सबको सुविधा देता है इसी में। कौन निकाल लिया उसको? क्यों निकाल लिया? जो रोड बना रहे वही लोग, पूरा पाइप पूरा खोद ले गए ना। हम लोग कई बार आ चुके हैं यहीं पे, अब कोई सहायता भी नहीं कर रहे हैं। हमारे गांव में 1 महीना से पानी बंद हो गया है, जैसे कि घर घर में पूरा नल चल रहा था तो सबको बंद है, तो सब सारे पानी के लिए इधर जा रहे हैं। डोकरी ओकरी सब किस दिक्कत हो जाता है। कहाँ से लाते हो पानी? यही से लेते हैं, नल से जाता है। नल से रहता क्या करेंगे इसको? हम कदम करेंगे नहीं देने से कदम करेंगे। ये गरियाबंद से आपको खबर बता रहे हैं, जहां एक गांव में पेयजल संकट को लेकर महिलाएं प्रदर्शन करती हुई नजर आई। आपको बता दें कि इस गांव में लगभग 1500 की आबादी है, उसके बावजूद यहां पर सभी बोर सूखे पड़े हुए हैं और लगातार लोगों को पानी की समस्या से जूझना पड़ रहा है। ये गरियाबंद से तस्वीरें हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि महिलाएं किस तरीके से पानी भरती हुई नजर आ रही है। इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता फारूक मेमन जुड़ गए हैं। फारूक, जिस तरीके से गरियाबंद में ये देखा जा रहा है कि जल संकट लगातार बढ़ रहा है और लोग इसको लेकर प्रदर्शन करते हुए भी नजर आ रहे हैं, तो क्या कुछ अपडेट है? फारूक, आपको मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज आ रही है लेकिन बहुत लाइट आ रही है, बहुत कम आवाज आ रही है। जिस तरीके से गरियाबंद में जल संकट की समस्या देखने को मिल रही है, लगातार लोग सड़कों पर भी अब उतरते हुए नजर आ रहे हैं, तो क्या कुछ मांग है लोगों की? देखिए, ये गर्मी चालू होने के साथ ही एक तो पहली बात है कि जगह जगह जो है पेयजल का संकट जो है गहराता जा रहा है और जल भूजल स्तर नीचे जाते जा रहा है। लेकिन इस प्रकरण में मुख्य बात यह रही है कि अभी वर्तमान में सड़क चौड़ीकरण का काम चल रहा है और यहाँ पर जो बोर था वो जो सड़क किनारे लगा हुआ था, सड़क चौड़ीकरण के चलते सड़क वालों ने जो बना रहे थे उन्होंने इस बोर को तोड़ डाला है और तोड़ने के बाद में जो यहाँ का जो मुख्य जो जल का स्रोत था जो हैंडपंप से जो होता था इसी के जरिए लोगों को पेयजल मिल रहा था, उस पेयजल अब न मिलने के चलते ग्रामीण महिलाएं काफी आक्रोशित है और देखा गया है इसे उसको लेकर। लेकिन बीते दिनों उन्होंने 2 घंटा के लिए इन्होंने आंदोलन किया है, साथ ही प्रशासन को इन्होंने यह भी अल्टीमेटम दे दिया है अगर इस समस्या का समाधान नहीं किया गया तो सोमवार को वृहद रूप पर यह आंदोलन करेंगे और हो सकता है सड़कों पर आकर के चक्का जाम जैसी भी वो कार्रवाई करें। लेकिन साथ में इनका यह भी कहना है अगर प्रशासनिक अधिकारी आकर के जल्द इसका समाधान नहीं करेंगे तो इस मुद्दे को लेकर के गरियाबंद जाएंगे, गरियाबंद आकर के जिलाधीश से भी इस संबंध में शिकायत करेंगे, ये इनका मुख्य रूप से है। लेकिन काफी परेशान है महिलाएं और आपने देखा होगा महिलाएं अगर सड़क पर आ जाती हैं इसका मतलब ये है कि समस्याएं काफी गहरी हो चुकी, तब मजबूरी में आए हैं। इस संबंध में हमारी बात अभी जिलाधीश दीपक अग्रवाल जी से भी हुआ है, उन्होंने आश्वस्त किया है कि वो प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इन समस्याओं का समाधान हो जाए ताकि ग्रामीणों को ना प्रदर्शन करना पड़े, ना आंदोलन करना पड़े, ना गरियाबंद आना पड़े। और अगर इसके बीच भी अगर समस्या का समाधान नहीं होता तो निश्चित रूप से दुर्भाग्यजनक स्थिति है, क्योंकि गरियाबंद से 117 किलोमीटर के दूर पर एक गांव है और वहां से अगर लोगों को गरियाबंद आना पड़ता है या फिर प्रदर्शन करना पड़ता है, ऐसी स्थिति में ये कहा जा सकता है कि दुर्भाग्य है कि उनका किस्मत में कि पेयजल के लिए आंदोलन करना पड़ रहा है उनको।
वहीं फारूक जिस तरीके से चुनाव भी काफी नजदीक हैं और बड़े बड़े नेता हैं, बड़े बड़े वादे करते हुए नजर आते हैं, उसी बीच जब इस तरीके की स्थिति देखने को मिलती है तो क्या लगता है कि चुनाव का समय है और ये आंदोलन कर रही है।